हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने कुछ ऐप बना लिया था, ये कैटेगरीज थी हमारी, होम स्क्रीन थी, और यहाँ पे क्लिक करने पे हमारी सब कैटेगरीज ओपन हो रही थी। बट ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग के फॉर्मेट में नहीं थी, तो आज हम इसके डिजाइन को देखेंगे और इनको कैटेगरी वाइज इमेज वगैरह यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं इस चीज को समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी डिजाइनिंग को सही करते हैं कि जब भी हम इस पे क्लिक करें तो एक अच्छे डिजाइन के साथ हमारी चीजें आए, ओपन हो। तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हमने एक बनाया था एक्टिविटी सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आप देखें ये हमारे प्रोडक्ट थे। इमेज के नेम हमने थोड़े से चेंज किए हैं, पिछले लेक्चर में नेम कुछ और था, अभी नेम हमने थोड़ा सा सर्वर पे जो इमेज सेव की है वैसा रखा है। मैं भी आगे आपको समझाता हूँ। बस इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपने अडॉप्टर में एक लेआउट ले रहे थे, कस्टम लेआउट, और यहाँ से टेक्स्ट को लोड कर रहे थे। अभी हम क्या करते हैं, इस लेआउट को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। तो इसके डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस रिलेटिव लेआउट को बना देते हैं, कार्ड लेआउट, कार्ड कार्ड। आप यहाँ पे कार्ड लिखेंगे तो आपको हेल्प आनी चाहिए, कार्ड लेआउट, कार्ड व्यू का हेल्प आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक कार्ड कॉर्नर रेडियस देना है, कार्ड कॉर्नर रेडियस 5 5 dp आप दे दें। इससे क्या होगा कि इसके कॉर्नर थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, रेडिफाई हो जाएंगे। अभी क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बनाना है, यहाँ पे चीजों को देखना है। देखिए ये क्या है कि कार्ड व्यू, तो इसके अंदर केवल वन लेआउट रह सकता है, मल्टीपल लेआउट हम कार्ड व्यू के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेटिव लेआउट ले लेंगे, एक रिलेटिव लेआउट ले रहे हैं मैच पेरेंट, और इसकी हाइट कर देते हैं आई थिंक 200 dp, इट्स सफिशियंट फॉर आवर प्रोजेक्ट। और ये लेआउट कार्ड व्यू हमेशा वन लेआउट को अलाउ करता है, तो हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर ही रखेंगे, हमारे जितने भी कोड होंगे अब रिलेटिव लेआउट के अंदर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए चूंकि डिजाइनिंग में काफी टाइम ना लगे उसके लिए डमी प्रोजेक्ट बना रखा है, तो हम लोग डिजाइन को वहां से ले लेते हैं। ये हमारा क्विज कैटेगरी है, आप इस पे ध्यान ना दें, बस मैं आपको ये सारी चीजें अभी समझा रहा हूँ, समझाऊंगा एक एक चीजें। बस मुझे डिजाइन को यूज करना है एक्चुअली में यहाँ से। तो हमारे रिलेटिव लेआउट पे हमें क्या कर देना है, थोड़ा सा मार्जिन दे देना है, मार्जिन दे देना है ताकि ये हमें दिखाई दे। ये देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा साइड से, देन इसकी हमें भी जरूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। बस कुछ नहीं करना है, एक इमेज चाहिए जो कैटेगरी इमेज है, और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जो हमारा टेक्स्ट अभी भी है, बस उसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ से आते हैं, और इस टेक्स्ट व्यू को भी चूंकि नेम हमारा सेम है तो हटा के अगर रीपेस्ट कर दें तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई है, फुल स्क्रीन इमेज है, जितनी हमारी ये स्क्रीन है ना लेआउट की उतने में फुल कवर्ड है। स्केल हमने दे दिया है सेंटर क्रॉप, ये क्या करता है इमेज को सेंटर से एडजस्ट कर देता है, चारों तरफ जो एक्स्ट्रा इमेज होती है उसको क्रॉप कर देता है। और टेक्स्ट व्यू में हमने क्या किया है कि एक बैकग्राउंड दे दिया है ट्रांसपेरेंट 2 करके, ये कोड आप एक बार देख लो, मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना। ये बैकग्राउंड बनाने के लिए हमने कलर ट्रांसपेरेंट 2 ले रखा है, और इसको जब हमने इस पे दिया तो ये जो हल्का सा बैकग्राउंड आ रहा है इसके बीच में अब हमारा टेक्स्ट आ जाएगा ग्रेविटी सेंटर की वजह से। टेक्स्ट कलर हमने वाइट कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल हमने बोल्ड कर दिया है, और ये बॉटम में चाहिए था ना हमें रिलेटिव लेआउट के, तो हमने क्या कर दिया, अलाइन पेरेंट बॉटम को ट्रू कर दिया है, जिससे ये हमारे बॉटम में आ गया है। बाकी विड्थ हाइट आप समझ रहे हैं, और आईडी हमने पहले भी दी थी, इतना काम हमने पहले किया था, कुछ सेटिंग्स की है इसके थ्रू।
अभी क्या होगा कि अगर हम अभी प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो भी हमारा टेक्स्ट अब यहाँ पे आएगा। और एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कि अब ये कैसा दिख रहा है। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया है, जो नॉर्मल यहाँ पे रिलेटिव लेआउट है उसको कार्ड व्यू में लिया ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए, उठा हुआ दिखे। एंड रिलेटिव लेआउट लिया एक स्क्रीन बनाने के लिए, देन उसके अंदर इमेज और टेक्स्ट व्यू। और जैसे ये इंस्टॉल होगा मैं आपको जेनी मोशन पे अपने दिखाता हूँ रन करा के। हाँ वेट करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अभी ये आई थिंक वेटिंग फॉर प्रोसेसिंग इंस्टॉल लॉन्च एक्टिविटी। यस आते हैं, किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और हमें अपनी सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। देखिए कितना अच्छा सा दिखने लगा, ये हमारी कैटेगरीज आने लगी हैं। अब अगर हम यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे पास टास्क है कि हम अपनी इमेज को यहाँ पे लोड कैसे करेंगे। इमेज आपकी जो होगी ना वो सर्वर पे होगी। एक्चुअली में अगर हम सारी कैटेगरीज की इमेजेस को अपने ड्रॉवर फोल्डर के अंदर रखने लगेंगे तो ये इमेज जो हमारा होगा ना काफी ज्यादा, इसकी जो फाइल बनेगी वो काफी बड़ी बन जाएगी। तो इमेज को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे कम से कम जो बहुत नेसेसरी इमेजेज हों वही रखनी चाहिए। अदरवाइज सारी इमेज को आपको सर्वर पे रखना होगा, जो आपके वेब यूआरएल के थ्रू आपके इस वाले इमेज व्यू पे लोड होंगी। आपको ये नहीं करना है कि सारी इमेज को यहाँ रख दें, इससे आपका ऐप का जो साइज होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, अपने को इमेज जो चाहिए वो सर्वर वाली चाहिए। तो मैं आपको अभी आज इमेज लगाना भी सिखा देता हूँ कि सर्वर की जो इमेजेज होती हैं उसको हम कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमको अपने इमेज व्यू को यहाँ पे कॉल कर लेना चाहिए। तो हमारा इमेज व्यू जो होगा, इस इमेज व्यू में img id है इक्वल टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड बाय id r डॉट id डॉट img। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इमेज मिल जा रही है, बट इस इमेज को अब हम डायरेक्टली ना लोड नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो इसके लिए हमें एक यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, और इमेज के नेम मैंने दिखाया है कि ऑलरेडी हमने ले रखा है। ये इमेज जो है ना हमारी इस नाम से सर्वर पे होगी और किसी यूआरएल पे ओपन हो रही होगी। उस यूआरएल को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यूआरएल क्या हो सकता है। और यहाँ पे आप किसी का भी इमेज यूज कर सकते हैं, बस इमेज का आपके पास यूआरएल होना चाहिए। तो मैं आपको एक इमेज का यूआरएल दिखाता हूँ जिससे मैं इमेज लोड करूंगा। इमेजेस मैंने बहुत सारी अपने सर्वर पर ले रखी हैं। ये देखिए एक ये हमारा पाथ है और इसका यूज करके हम इमेज को निकालेंगे। अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा इमेज स्लैश क्वेश्चंस स्लैश क्वेश्चंस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ये जो हमने नेम ले रखा है ना ये हमारा लास्ट में होगा, ताकि बस हमें ये चेक करना है कि इस यूआर इमेज इस यूआरएल पे ये इमेज लोड हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर वहां पे ब्राउजर पे आएगी तभी हमारे पास ये इमेज यहाँ पे आ सकती है। चलो भाई ये हमारा पाथ हो गया। अगर मैं इसको हिट करूं तो आप देखिए यहाँ पे इमेज आ रही है, कोई भी इमेज है, आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग में कुछ लगा रहा हूँ, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं इमेज आपको लगाना सिखा रहा हूँ, इसलिए आप अपनी इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कैटेगरी वाइज बना लीजिएगा और सर्वर पे रखिएगा। और अगर सर्वर पे नहीं रख पा रहे हैं तो आप किसी भी इमेज को गूगल से सर्च कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट का इमेज कोई आपको चाहिए, स्पोर्ट
इमेज, अब कोई भी लाइक ये इमेज है, अब इसको आपको यूज करना है अपने ऐप में, तो इसका आपको इमेज यूआरएल निकालना पड़ेगा, और इमेज यूआरएल आपको इतनी आसानी से अभी भी नहीं मिल रहा है। न्यू टैब एसपीजी, यस, ये इस इमेज का यूआरएल है, ठीक है। अब इस यूआरएल को ही हम लोड कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको किसी भी इमेज का पहले तो इमेज यूआरएल पता होना चाहिए, तभी आप उस इमेज को लोड करा सकते हैं, है ना। तो आप किसी भी इमेज को लोड करा सकते हैं, बस वो प्रॉपर यूआरएल के फॉर्मेट में हो। चाहे इसको ले लें, अगर इसका भी यूआरएल में देखना पड़ेगा, बिना यूआरएल के आप इस इमेज को नहीं लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये इमेज है, कहाँ से आ रही, फेसबुक से आ रही, तो फेसबुक की इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल, ओपन इमेज न्यू टैब, नहीं मिलेगा। फेसबुक अपने कोड्स को काफी ज्यादा कंप्रेस करके रखता है। आप सर्च कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूं कि आपको कोई इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे। अभी यही इमेज है, चलो इसका मुझे बैकग्राउंड में जाके इमेज पाथ वगैरह निकालना पड़ेगा। ये रहा, आई थिंक अभी भी नहीं मिला। ओपन इन न्यू टैब, ये कोई वेबसाइट ओपन हो जा रही है, ये इमेज नहीं मिल रही है। इमेज कहाँ पे है इसकी, वेट अ सेकंड, फ्रेंड्स यहाँ भी इमेज नहीं है। खैर आप इमेज कोई भी लगा सकते हैं, मैंने अभी जैसे एक इमेज दिखाई थी आपको, इमेज का बस प्रॉपर यूआरएल पता होना चाहिए, और आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आप इसे कर लेंगे। और अगर आप किसी अदर पर्सन की इमेज को यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो इमेज को डिलीट कर दे, इसलिए आप अपने सर्वर से इमेज को यूज करें अपने ऐप में। तो देखिए ये हमारा पाथ है और ये हमारा इमेज का नाम है, तो ये पाथ हमें चाहिए होगा। इस पाथ को हमें बनाने के लिए हमें एक, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। और तब तक मैं, जब तक ये कर रहा हूँ ना, मैं इसको बंद करता हूँ। थोड़ा सा मेरे जेनी मोशन में कुछ मुझे फील हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वाले को मैं लॉन्च कर लेता हूँ फिर से, और देखते हैं जब तक वो लॉन्च हो रहा है तब तक इधर हम काम करते हैं। स्ट्रिंग इमेज यूआरएल इक्वल्स टू दिस, तो ये हमारा यूआरएल हो गया। इसके आगे हमारी इमेजेस चेंज होके आती रहेंगी और हम इसको लोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि यूआरएल भी पता हो गया, इमेज का नाम भी पता हो गया, बट हम अपने प्रोजेक्ट में ना इमेज अभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। इमेज को यूज करने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप, ये नहीं है कि आप इमेज आए इसमें कुछ प्रॉपर्टी हो गई और डायरेक्ट यूआरएल डाल दिया, नहीं। आपको एक प्लगइन यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है ग्लाइड। आप अगर यहाँ पे ग्लाइड डिपेंडेंसी सर्च करें तो पहला ही आपको लिंक मिलेगा गिटहब का, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो नीचे देखिए एक डिपेंडेंसी मिल रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर लें, एनोटेशन और ग्लाइड की डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, देन आप किसी भी यूआरएल को अपने ऐप में एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको सेंस हो जाने देते हैं और देखते हैं हमारा ग्लाइड, ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी ये प्रॉपरली रन कर रहा है, इस पे हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। देखिए ये हमारा ग्लाइड भी इंपोर्ट हो गया है। अब हम आते हैं
अपने यहाँ पे सब कैटेगरी पे, और यहाँ से आप नीचे आएंगे बढ़ेंगे तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे आपको इसको यूज करने का तरीका भी दिया गया है कि ग्लाइड को आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इमेज व्यू पे इमेज को यूआरएल के थ्रू लोड करने का तरीका है। आप इसको कॉपी करें, अल्ट इंटर से इसे इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट क्लास, तो ग्लाइड इंपोर्ट हो जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट अपने एक्टिविटी का नाम डॉट डिस। इसके बाद यहाँ पे इनटू में क्या है, आपकी इमेज व्यू चाहिए तो हम यहाँ पे इमेज दे देंगे। और ये क्या है, हमारा पाथ है, इमेज का पाथ है। तो हमने पाथ अभी क्या बनाया था, इमेज यूआरएल प्लस प्लस में क्या, जो ये हमारे कट चेंज होके इमेज के नेम आएंगी, ये हमें कहाँ पे मिल जाएगा, कैटेगरी इमेज के अंदर। तो इमेज यूआरएल बेस यूआरएल हो गया, प्लस कैटेगरी इमेज पोजीशन, तो ये कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा और हमारी इमेज अब प्रॉपरली लोड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। खैर इमेज आएगी, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स होती हैं, आप चाहें तो वो अपने ऐप के अंदर कर सकते हैं। जैसे आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं कि कभी इमेज नहीं आई है तो उस टाइम पे कोई प्री लोडर टाइप का आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। और सेंटर क्रॉप करने से क्या होगा कि आपका जो इमेज है ना, अभी हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंटर क्रॉप वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं आप। ये हमने आया, अब हमारी कैटेगरी ओपन हुई, तो देखिए एक इमेज तो आई, बाकी की इमेजेस। अच्छा, फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम है, ये बाय डिफॉल्ट इमेज आ रही है बट नहीं आनी चाहिए थी ये भी। अभी क्या होगा कि हमें इंटरनेट की परमिशंस भी तो देनी है, हमने आई थिंक यहाँ पे परमिशन नहीं दी है, जिस वजह से हमारा ऐप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए परमिशन बहुत जरूरी है, यूजर परमिशन। वेट अ सेकंड, यहाँ पे यूजर परमिशन, और देखिए यहाँ पे पहली परमिशन मिल रही है इंटरनेट, बस सिंपली इतना कर दें और आपकी परमिशन लग जाएगी इंटरनेट वाली। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो वेब यूआरएल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अब न्यू फोन में ऐसे परमिशन लगाने पे तो बहुत से ऐप में आ जाएगा, बट बहुत से ऐपेज में नहीं आएंगे, जो न्यू फोन से उसमें अभी भी इमेज नहीं लोड होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्लियर यूजेज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, इसको क्या करिए ट्रू कर दीजिए, तो आपके सारे फोन्स में अब इमेज लोड होनी चाहिए। और इसको हम फिर से रीइंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आई थी वो इंटरनेट परमिशन की वजह से आ रही थी, अभी क्या है कि हमने परमिशन दे दी है, क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ऑन कर दिया है, ट्रू कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी सारी इमेज लोड होनी चाहिए। यस देखिए ये जो हमारी कैटेगरी वाइज इमेज हैं वो लोड हो रही हैं, और यहाँ पे सेंटर क्रॉप करने की वजह से ये ऑलरेडी सेंटर्ड क्रॉप हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए सेंटर क्रॉप ले रखा है, बट कभी कभी अगर आपके केसेस में यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप इस साइड से भी ग्लाइड का भी यूज करके, जैसे हमने लोड यूआरएल किया इनटू किया है ना, तो ऐसे यहाँ पे डॉट सेंटर क्रॉप भी होता है, तो आप इस प्रॉपर्टी का भी यूज करें तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। साथ ही साथ में आप सेंटर क्रॉप के साथ साथ ग्लाइड में और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे कि अभी ये बहुत नॉर्मल सा ओपन हो रहा है, बट हम इसे थोड़ा सा एनिमेट भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, फेडिंग भी लगा सकते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टीज भी ग्लाइड के साथ आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो मैंने आपके लिए यहाँ बनाई है, जैसे दो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन के फॉर्मेट में मैंने यूज किया है, मैं इसको समझाता हूँ अभी। यहाँ पे पहले इसको लगा देते हैं, देखो
पहली है कि क्रॉस फेडिंग, फेडिंग के लिए थोड़ा सा यूज किया था मैंने कि है ना, इमेज थोड़ी सी पहले ब्लर हो फिर डार्क हो, ऐसा कुछ आप इफेक्ट दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। आप प्रैक्टिस करके देखें, आपको इसका ये भी आपको अच्छा लगेगा, कहीं कहीं आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। देन ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, एनिमेशन बनाएंगे। जूम इन, जूम इन, जूम इन का मतलब यह है कि जब इमेज ओपन होगी ना तो जूम होती हुई फील होगी, ऐसा कुछ। तो आइए सबसे पहले तो एक एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए अपने रिसोर्स फाइल में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और क्या बनाना है हमको, एनिमेशन। ये आप ये फोल्डर क्रिएट करें, इसके बाद एनिमेशन आप खुद से बना सकते हैं, ये कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप एनिमेशन की मेरी प्रॉपर क्लास होगी, उसमें मैं एनिमेशन आपको बनाना सिखाऊंगा। अभी तो मैं पहले से मैंने कोड बना के रखा है तो उसको यूज करेंगे। देखिए ये इस तरह से फाइल जनरेट हो जाएगी, और इसके अंदर अगर मैं अपने एनिमेशन वाली फाइल पे आऊँ, जूम इन पे, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये एक स्केल वाला कोड है। इसकी पूरी कोडिंग मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, बट मैं अभी इसे कॉपी कर रहा हूँ। पूरा का पूरा हमारा एनिमेशन का लेक्चर होगा, मैं उसमें आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो बस ये स्केल है, स्केल की वजह से कुछ इस पे एनिमेशन का इफेक्ट आएगा, और ये जो हमारी फाइल्स थी इस पे अब एनिमेशन भी अप्लाई हो जाएगा। हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, अभी देखिए, अगर अब हम जब यहाँ पे ओपन करेंगे, जो हमारी कैटेगरी ओपन होगी वो थोड़ी सी जूम होती हुई, आपने नोटिस किया होगा कि पहले बहुत छोटा था इमेज, फिर थोड़ा सा जूम हुआ है। तो इस तरह से आप एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। दोबारा ये फील नहीं होगा क्योंकि इमेजेस लोड हो जाती है ना एक बार एंड्रॉयड में, तो ये बार बार सर्वर से नहीं लोड होती है, कैचेज बना लेते हैं और सेव करके रख लेता है। लेकिन जब इमेज चेंज होगी या आप पहली बार डाउनलोड ओपन करेंगे तो ये फील होगा, और आप अपने मोबाइल में जब देखिएगा तो ये बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको बार बार नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे रियलाइज हुआ होगा। तो आई थिंक आपने ये समझ लिया है कि कैटेगरीज में कैसे हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग की, और यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस लोड कराई हैं। आप कोई भी यूआरएल को यहाँ पे डायरेक्ट लोड करा सकते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि इस कैटेगरी वाइज हम लोग कैसे यहाँ पे अलग अलग अपनी सब कैटेगरीज को डिस्प्ले कराएंगे, है ना। और भी चीज़ों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस अर्निंग ऐप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।